भारत की चौथी और छत्तीसगढ़ की पहली, मात्र 8.5 किलो की, 100 किलो से ऊपर वजन लेने वाली एकमात्र साइकिल छत्तीसगढ़ की। लकड़ी की साइकिल क्या हम बना सकते हैं? पूरी दुनिया में बांस की साइकिल के ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है, तो फिर हमने बांस की साइकिल की शुरुआत उस साइकिल से की थी। सर, इसकी लाइफ जो है हम लोग 10 साल की इस पे गारंटी इसकी फ्रेम पे देते हैं। आप अपने हिसाब से साइकिल की लेंथ और हाइट, अगर आप 5 फुट के ही हैं तो हम आपके हिसाब से साइकिल डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से? मेरा नाम आसिफ खान है। नेचर एस्केप मेरी संस्था है, जिसका बैम्बू का एक प्रोडक्ट है जो आप पीछे साइकिल देख पा रहे हैं। ये कमर्शियल लाइन की पहली छत्तीसगढ़ की साइकिल है। मैं रहने वाला बस्तर छत्तीसगढ़ का हूँ और जगदलपुर शहर है, और वहीं पर आदिवासी आर्टिस्टों के माध्यम से बनी ये प्रोडक्ट है। भारत की चौथी और छत्तीसगढ़ की पहली, मात्र 8.5 किलो की, 100 किलो से ऊपर वजन लेने वाली एकमात्र साइकिल छत्तीसगढ़ की ये है जो आपके पीछे खड़ी है। ये आप मन कब से बनाए हो और कैसे सोचे कि आप मतलब ये ऐसे टाइप के साइकिल बनाना चाहिए? इसकी शुरुआत साल भर पहले हुई थी। साल भर मुझे हमें क्योंकि हमारी जो संस्था है वो जिला प्रशासन और जो प्राइवेट एजेंसीज होती है उनका टूरिज्म बेस्ड या लाइवलीहुड बेस्ड और क्राफ्ट इनोवेशन बेस्ड हम लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें जिला प्रशासन का एक रिक्वायरमेंट आया था कि लकड़ी की साइकिल क्या हम बना सकते हैं। तो हमने उस पर काफ़ी अध्ययन किया। अध्ययन और शोध के बाद हमें पता लगा कि हमारे पास जो लकड़ियाँ उपलब्ध हैं उस पर अगर हम फ्रेम बनाते हैं तो वो कुछ 25 से 30 किलो का फ्रेम हो जाता, और 25 से 30 किलो की साइकिल नहीं, वो एक तरीके का रथ हो जाएगा जिसको खुद आदमी अपने उसे खींचेगा, तो ये बड़ा मुश्किल होता। फिर काफ़ी अध्ययन के बाद हमें पता लगा कि पूरी दुनिया में बांस की साइकिल के ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है, तो फिर हमने बांस की साइकिल की शुरुआत उस साइकिल से की थी। उस तरफ की जो साइकिल है उसे बनने में 3 साल, मतलब साल भर लगे थे, 3 महीने हमें उसे लगे थे, और जब वो बनी उसकी वज़न कुछ 20 किलो आसपास है, और जो वज़न वो लेती है 60 किलो तक की। फिर साल भर काफ़ी मेहनत करने, उसकी ज्योमेट्री के ऊपर मेहनत करने, उसके फ्रेम के ऊपर मेहनत करने और काम करने के बाद अब जो हम प्रोडक्ट के साथ आए हैं, जिसे अब कमर्शियल लाइन में चालू कर रहे हैं, इसका वज़न मात्र 8.5 किलो है, और ये वज़न 100 किलो, मतलब 1 क्विंटल तक आपका वज़न ले सकती है। 1 क्विंटल तक में वहाँ पर वज़न लेके चला सकते हैं आराम से। इधर लाइफ कितना है, कितना दिन तक ये सर? इसकी लाइफ जो है हम लोग 10 साल की इस पर गारंटी इसकी फ्रेम पे देते हैं। जो इसकी फ्रेम जहाँ जहाँ बांस है उसमें अगर किसी भी प्रकार का क्रैक आता है जॉइंट पे, तो हम फुल फ्रेम रिप्लेसमेंट का हम आपको देते हैं 10 साल तक। और अगर बांस को, अगर मान लीजिए कई लोग बोलते हैं कि बीच से काट दिए तो वो जोड़ने का काम हमारा नहीं है, बट जो जॉइंट्स हैं उसके वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और जो भी मेटल पार्ट अगर कहीं पर एक्सीडेंट होता है, टूटता है, तो वो तो आपको बदलना ही पड़ेगा, बट चलाते हुए अगर फ्रेम में कोई डैमेज होता है तो वो हम रिप्लेसमेंट देते हैं। ये अभी रायपुर में उपलब्ध है कि आप मन के जहां? अभी ये स्टोर में, क्योंकि हम छोटी सी संस्था है, शुरुआत साल भर पहले की है, लोग भी मात्र हम दो हैं, एक मैं हूँ और एक मेरा एक आर्टिस्ट है, और भी लोग भी यहाँ पर हैं हमारे, तो खैर इस वजह से क्या है कि हमारा कोई स्टोर नहीं, कोई ऑफिस नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी प्री बुकिंग लेंगे, और जैसे मेरा जो नंबर है 8319033869, इस पर लोग कॉल करके या व्हाट्सएप करके प्री बुक करा सकते हैं साइकिल, और प्री बुक कराने के 30 दिन के अंदर हम आपको साइकिल आपके घर में खुद डिलीवर करके देंगे। ऑनलाइन साइट्स में सिर्फ आपका नंबर से ही है कि एक नेचर एस्केप करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, NATURE EXCAPE, तो आप इंस्टाग्राम आईडी में भी आप मुझे हमें इसका जो रिक्वेस्ट है या फिर आपका ऑर्डर है जो प्लेस कर सकते हैं, प्लस आप व्हाट्सएप जो मैंने नंबर दिया 8319033869, तो आप उसमें भी आप बात कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ और महंगे इक्विपमेंट्स लगाने, गियर लगाने, वो आप हमको बता सकते हैं। आप अपने हिसाब से साइकिल की लेंथ और हाइट, अगर आप 5 फुट के ही हैं तो हम आपके हिसाब से साइकिल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये फुल्ली कस्टमाइज साइकिल है, आदमी का जो रिक्वायरमेंट है, जितनी हाइट है, वेट है, उसके हिसाब से साइकिल फ्रेम होके आपको 30 दिन के अंदर मिल सकती है। अच्छा, ये मैं जैसे अभी के दौर पर बैटरी वाला साइकिल या कुछ ऐसे चलाता हूं, तो आगे में बैटरी के लिए कुछ प्लान?
हाँ, तो अभी ये जैसे फर्स्ट हमारी सिंगल ट्रैक साइकिल है जी। इसके बाद हमारा प्लान है कि इस साइकिल को हम किस तरीके से फोल्डेबल बना सकें जी। ताकि अगर कोई आदमी है, अगर उसे मान लीजिए कहीं ट्रैक पे जा रहा है, तो जितने दूर साइकिल पॉसिबल है चला सकता है, उसके बाद अपने कंधे में या पीछे पे कैरी करके वो ट्रैक कर ले या हाइक कर ले। हाइक करने के बाद फिर लगता है कि साइकिल चलाने की ज़रूरत है, तो फिर साइकिल चला सकता है। तो उसके बाद फिर हम लोग को बैटरी बैकअप वाली भी साइकिल चलाने के पीछे है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग ऐसे होते हैं, ओल्ड एज में होते हैं, ज़्यादा पैडल नहीं मार पाते, तो हम ऐसा चाह रहे हैं कि बैटरी वाली साइकिल भी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाए, ताकि वो एनर्जी तो अपना लगाए बट एक एक्स्ट्रा पुश उसको बैटरी या फिर मैकेनिज्म से मिले, ताकि वो उसको साइकिल चलाने का अनुभव भी वो ले सके, प्लस जो है बैटरी और टेक्नोलॉजी भी उसमें ले रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।